हाँ तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। आज मैं आप लोगों को ले चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था और उससे संबंधित फार्मूला प्लस उस फार्मूला पर आधारित सवाल और ट्रिक पर आधारित सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं आपको ले चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज को समझने के लिए हमें जो है सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये है क्या। हालांकि साधारण ब्याज जो है वो बिल्कुल सिंपल ब्याज है। जैसे मान लो कि 1000 रुपये की राशि हम बैंक में जमा किए और जो है उस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में हमें इंटरेस्ट के रूप में जो है जो प्राप्त होगा वो जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है इसमें तो कुछ जटिलता है। और क्या जटिलता है, चलो इससे पहले हम जो है इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो डिफिनेशन ये है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, जब एक निश्चित समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को न दे करके मूलधन में जोड़ दिया जाए। समझ रहे हैं, यानी एक निश्चित समय के बाद मूलधन पर जो ब्याज देता है उस ब्याज को जमाकर्ता को न दे करके यदि मूलधन में प्लस कर दिया जाए, यानी जो मिश्रधन प्राप्त होगा उसमें प्लस कर दिया जाए, फिर प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। आप समझ गए होंगे, इसमें क्या है कि जब मूलधन पर ब्याज निश्चित समय के लिए दिया जाता है उस ब्याज को मूलधन के साथ अटैच कर दिया जाता है तो वो हमारा मिश्रधन हो जाता है, और उस मिश्रधन को मूलधन मान करके फिर नए सिरे से निश्चित समय के लिए जब उसको जमा किया जाता है और जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है वही इंटरेस्ट जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित जो है हमारा बेसिक फार्मूला मात्र 3 ही है, बेसिक फार्मूला। उसके बाद ट्रिक बेसिस पर बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला जो है उसको आप लोगों को हम सबसे पहले बता देते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले होता है मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। यानी चक्रवृद्धि ब्याज को हम सांकेतिक रूप में CI भी कह सकते हैं, और क्या कहते हैं मूलधन को P और मिश्रधन को क्या A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर चलो चलते हैं, यहाँ पर देखो मिश्रधन बराबर हमारा क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। यानी इसको हम लिख सकते हैं या A = P + CI, ठीक है। P हो गया हमारा मूलधन और CI हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। उसको हम सांकेतिक भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं A = P + CI। अब चलते हैं, जैसे इसे हमें ब्याज निकालना हो यानी CI यदि निकालना हो तो क्या होगा, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा A - P, ठीक है। तो वही चीज़ लिखे हैं, ब्याज बराबर मिश्रधन घटा मूलधन, और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुने 1 / 100 होल समय। यानी इसको हम सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं A = P × 1 + R/100 / T, ठीक है। तो इसको ये मिश्रधन बराबर जो हुआ मूलधन गुणा 1 / 100 होल समय, इसको सांकेतिक भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, A = P × 1 + R/100 / T, ठीक है। अब देखो कि यदि हम डायरेक्ट CI निकालेंगे तो CI इक्वल टू हो जाएगा P × 1 +
आर बाय 100 पावर क्या हो जाएगा टी और माइनस वन। ठीक है, अब देखो ये कैसे हो गया। हम आपको पहले बता चुके हैं कि सी आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। तो ये जो है पी दोनों में से कॉमन ले लिए, ये हमारा ए हो गया और माइनस वन है तो यानी कि पी हो गया। तो दोनों का जो है संयुक्त रूप जो है इससे हम सी आई डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अन्यथा मिश्रधन पहले निकाल करके उसके बाद जो है क्या कहते हैं सी आई निकाल सकते हैं। कैसे, तो मिश्रधन में हम मूलधन को जब घटा देंगे तो वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये हमारा जो है ये तीनों फार्मूला जो है हमारा बेसिक फार्मूला है, जिसके आधार पर इस सब फार्मूला को हम जो है पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम कंपटीशन के व्यू से पढ़ रहे हैं। तो इस फार्मूला को सबसे पहले जानना ज़रूरी है, उसके बाद जो भी ट्रिक बेसिस पर सवाल बनेगा उसको हम आप लोगों के सामने रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सवाल पर और उसको ट्रिक बेसिस पर हल करेंगे। तो हेलो दोस्तों, अभी जो आपको बताए वो बिल्कुल हमारा बेसिक फार्मूला था और जिसको हम पिछले क्लास में पढ़ भी चुके हैं। अब जो है थोड़ा उससे ऊपर उठ करके यानी एडवांस फार्मूला के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले ये दो नंबर का फार्मूला देखते हैं, वो है क्या। दो नंबर का है कि कोई धन पी पर ब्याज की दर पहले वर्ष R1%, दूसरे वर्ष R2% तथा तीसरे वर्ष R3% हो तो तीन वर्ष के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें कैसे निकालेंगे। तो तीन वर्ष के लिए हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा यानी A बराबर हो जाएगा पी इंटू 1+R1/100 इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3/100। इसके द्वारा जो है हम तीनों वर्ष का जो है सी आई का मिश्रधन यानी ए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पी के स्थान पर 1000 दे दिया जाए तो आप जो है तीन वर्ष के लिए उसका चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर पी इक्वल टू हमारा है 1000 रुपया, सपोज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा पी यानी और इन R1, R2, R3। तो यानी मान लो कि R1 पहले वर्ष है 5%, फिर दूसरे वर्ष है आपका 10% और तीसरे वर्ष है आपका क्या 15%। ठीक है, तीनों का आपका R1, R2, R3 तीनों का जो है अलग अलग है। पहले वर्ष में आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है, फिर दूसरे वर्ष में आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा है, फिर तीसरे वर्ष में आपको जो है क्या कहते हैं 15% इंटरेस्ट दे रहा है, और आपका शुरू में मूलधन जो है कितना है 1000 रुपया। तो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा उसको मूलधन में जोड़ा जाता है, वो हो जाता है मिश्रधन। लेकिन दूसरे वर्ष के लिए वो मिश्रधन जो है हमारा मूलधन का काम करता है, वो मूलधन और इंटरेस्ट रेट जो है क्या 10% है। उतना मिश्रधन जो हुआ दूसरे वर्ष के लिए वो मूलधन हो गया और इंटरेस्ट रेट क्या है हमारा 10% है। तो उसके बाद जो इंटरेस्ट मिलता है उस दूसरे वर्ष के मूलधन में उसका इंटरेस्ट जब जोड़ देते हैं तो दूसरे वर्ष का हमें मिश्रधन प्राप्त हो जाता है, लेकिन तीसरे वर्ष के लिए वो क्या होता है हमारा मूलधन ही होता है। तो वो मूलधन और प्लस इंटरेस्ट रेट क्या है 15%। तो इस तरह से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का जो है सीरीज चलता है। यदि तीनों वर्ष में आपको यदि इस तरह से दिया हुआ रहे कि मूलधन पी पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष में R1%, दूसरे वर्ष में R2% और तीसरे वर्ष में यदि R3% हो, तो
तीन वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्या कहते हैं हमें मिश्रधन कैसे ज्ञात करेंगे, इस टाइप से ए बर इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर वन बाय हंड्रेड इंटू वन प्लस आर टू बाय हंड्रेड इंटू वन प्लस आर थ्री बाय हंड्रेड। सपोज दैट मैंने आपको एग्जांपल दिया पी का वैल्यू कितना दिया हम 1000 रुपया और आर वन 5% आर टू 10% और आर थ्री 15%। तो इसमें यदि रिपूट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 1000 1 प्लस 5 बाय 100, उसके बाद 1 प्लस 10 बाय 100, फिर हो जाएगा 1 प्लस 15 बाय 100। ठीक है, इस तरह से हमारा आ जाता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 1000, ये हो जाएगा कितना, यदि इसको हम करेंगे तो इसको सीधा सीधा कर देते हैं 105/100, ठीक है, इसको कर देते हैं 110/100 और ये हो जाएगा 115/100। इस तरह से इसको हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो 105/100 है तो यानी कि 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी हो जाएगा कितना, ये 1000 × 1.05 और इंटू ये कितना हो जाएगा 1.10 और इंटू 1.15। ठीक है, तो तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है क्या कहते हैं आंसर निकल जाएगा। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर जो है जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों चारों को जब गुना करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, इतना 1328.25 और ये हमारा 40 है। जब इसको गुना करते हैं तो देखो 2 2 4 2 6 6 अंक के बाद हमें दशमलव बैठाना, तो 4 तो 0 हो गया और उसके बाद 2 ये यहाँ पर 25, यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव बैठा है तो कितना हो जाएगा 1328.25। ये जो है हमारा मिश्रधन के रूप में क्या कहते हैं तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब चलते हैं जैसे दूसरा फार्मूला है थर्ड नंबर का, वो है क्या कि यदि पी रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में अदा करनी है, माने कहने का मतलब एज ए किस्त वाइज, ठीक है, कि यदि कोई भी चीज़ हम लेते हैं माने महंगा से महंगा सामान लेते हैं जैसे गाड़ी हुआ कुछ भी हुआ, तो वो जो है हमें डायरेक्ट ना दे करके हमें किस्त के रूप में देता है। क्यों देता है, क्योंकि वो किस्त में जो है उसका इंटरेस्ट छिपा हुआ है, यानी जो मूलधन है, मान लो किसी गाड़ी का कीमत अभी 25000 रुपया है और उसको जो जब हम किस्त बांध करके वो कंपनी देती है तो वो हमारा 26000 रुपया पड़ता है। क्यों पड़ता है कि चूंकि यदि उसको हम डायरेक्ट देते हैं तो 25000 रुपया देंगे, लेकिन यदि किस्त वाइज देते हैं तो हमसे 26000 रुपया लेता है, यानी वो 1000 रुपया जो है हमें क्या कहते हैं इंटरेस्ट के रूप में लेता है। उसी तरह से उसका फार्मूला ये है कि यदि पी रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में अदा करनी हो तो हमारा प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगा, वो हो जाएगा प्रत्येक वार्षिक किस्त इक्वल टू पी बटे 100 बाय 100 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 100 बाय 100 प्लस आर का होल क्यू, यानी वो तीनों वर्षों का जो है इंटरेस्ट जो है जोड़ करके लेता है। तो इस तरह से ये जो है हमारा क्या कहते हैं ट्रिक बेसिस का फार्मूला है, जिस पर कि सवाल हम आप लोगों को आगे बताएंगे। चलिए अब चलते हैं सवाल पर और उससे रिलेटेड ट्रिक को जानते हैं कि किस ट्रिक पर कौन सा सवाल हमारा बनेगा। देखो दोस्तों, एक सवाल है जो कि हमें ट्रिक बेसिस पर बनाना है। सबसे पहले सवाल क्या है उसको देखते हैं। सवाल ये है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दोगुना हो जाती है। कितने वर्षों में दोगुना हो जाती है, 3 वर्षों में दोगुना हो जाती है, तो उसे 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसको जब बनाएंगे तो क्या कहते हैं ये बेसिक प्रोसेस से जब बनाएंगे तो कम से कम आधा पन्ना तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ट्रिक प्रोसेस से बनाएंगे तो इसको हम 1 मिनट के अंदर हल कर देंगे। तो ट्रिक क्या है,
ट्रिक ये है कि यदि कोई धन सीआई की दर से एक्स समय में एन गुना हो जाती है तो जेड गुना होने में लगा समय बराबर हमारा होगा एक्स गुना ए, जहाँ एन पर ए इक्वल टू हमारा जेड है। तो ए जो है एक न्यू वर्ड है, ए आया कहाँ से, इसको बनाते हैं कहाँ से आया। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि होने में लगा समय बराबर एक्स गुना ए है, तो सबसे पहले एन पर ए बराबर जेड लिखेंगे, एन पर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, जेड। तो यहाँ पर देखो एक्स का वैल्यू क्या है, कितने एक्स क्या है यहाँ पर समय में, यानी तीन वर्ष, एक्स बराबर हो गया हमारा तीन वर्ष, ठीक है। एक्स कितना हो गया हमारा, तीन वर्ष हो गया, और एन पर ए इक्वल टू जेड है। तो एन जो है, एन का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू आठ गुना हो जाएगा, यानी आठ दिया हुआ है, एन का वैल्यू हमें पता हो गया आठ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एन पर ए इक्वल टू जेड, यानी कितना, आठ गुना, यानी आठ लिख देंगे, इक्वल टू लिख देंगे हम इसको, आठ को दो पर तीन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दो पर तीन, यानी दो गुना दो गुना दो इक्वल टू आठ होता है। तो यहाँ पर है एन पर ए इक्वल टू क्या होगा हमारा, दो पर तीन हो गया। तो यहाँ पर जो है एन का वैल्यू जो है हमारा क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। यहाँ पर जो है जेड है, तो यहाँ पर जो है एक्स गुना ए है, एक्स गुना क्या है हमारा, ए दिया हुआ है। तो एक्स का तो वैल्यू हमें तीन वर्ष पता ही है, और ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तीन वर्ष। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आठ गुना होने में, लगा समय क्या हो जाएगा हमारा, तीन वर्ष है, और ए का वैल्यू हमें तीन निकला, कितना हो जाएगा, नौ वर्ष। यानी उस मूलधन को आठ गुना होने में हमें कितना समय लगेगा, नौ वर्ष समय लगेगा। जो कि ये जो है हमारा जो है बिल्कुल ट्रिक बेसिस पर है, सिर्फ हमें जो है कंडीशन याद रखना है, और कंडीशन के आधार पर ही ट्रिक को बैठाना है। जैसे यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या है, यदि कोई धन सी आई की दर से एक्स वर्ष में एन गुना हो जाती है तो जेड गुना होने में लगा समय बराबर होता है एक्स गुना ए, और ए का वैल्यू जो है हम इससे निकाल सकते हैं, जो आठ है, आठ पर पावर तीन करके उससे हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसको जो है एक्स गुना ए करके, यानी तीन गुना तीन, यानी नौ वर्ष हम निकाल सकते हैं। ये जो है बिल्कुल ट्रिक बेसिस पर आधारित है, और इससे संबंधित सवाल और हम आगे बनाने जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों चलते हैं अब यूनिक सवाल पर, जो कि कंपटीशन में प्राय पूछा जाता है, और जो है ये बहुत सेलेक्टेड सवाल है, यानी इसको आप बोल सकते हैं कि ये मोस्ट वीवीआई है। कैसे वीवीआई है कि कंपटीशन में पूछा जाता है सीआई और एसआई का डिफरेंस, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर पर आधारित जो सवाल होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल होता है। तो यहाँ पर इसी पर आधारित मैंने एक सवाल आपके सामने लाया हूँ, और सवाल ये है कि किस राशि का दो वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 रुपया होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मांग रहा है, किस राशि का, यानी मूलधन मांग रहा है। लेकिन यदि आपको यह पूछे कि इतना रुपया का इतने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से इतने समय में, तथा इतना रुपये का इतने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से इतना समय में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो अंतर के लिए भी जो है फार्मूला हमारा ये फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए ये हमारा ट्रिक है। जैसे दो वर्ष के लिए यदि आपको पूछ दे कि दो वर्ष में उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा सीआई और एसआई का, तो दो वर्ष के लिए अंतर हमारा हो जाता है
मूलधन गुने दर बटे 100 का होल स्क्वायर, चूँकि समय दो है इसीलिए सोल पावर कितना हो गया 2। और तीन वर्ष के लिए जो हमारा डिफरेंस है, तीन वर्ष के लिए जो हमारा CI और SI का डिफरेंस है, वो होता है मूलधन गुने दर बटे 100 का स्क्वायर इंटू दर बटे 100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस दर बटे 100। ये हमारा जो है क्या कहते हैं, तीन वर्ष के लिए CI और SI का डिफरेंस है। लेकिन दो वर्ष के लिए CI और SI का डिफरेंस जो है हमारा ये फर्स्ट फार्मूला है। और इसी फार्मूला की जब डिफरेंस हमें, डिफरेंस का हमें ट्रिक यदि प्राप्त हो तो उसके द्वारा ही हम मूलधन का फार्मूला निकाल सकते हैं। सबसे पहले डिफरेंस का जो फार्मूला है, अंतर इक्वल टू मूलधन गुना दर बटे 100 पावर का, पावर कितना 2 है। इससे हम मूलधन जब निकालते हैं तो मूलधन बराबर हमारा होता है अंतर गुने 100 गुने 100 बटे दर स्क्वायर, जो हमें प्रश्न में निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, वो भी कितने वर्षों के लिए है, मात्र 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए मूलधन निकालने के लिए हमें इस फार्मूले का अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा मूलधन इक्वल टू, मूलधन इक्वल टू क्या है, अंतर। तो यहाँ पर देखो अंतर क्या है हमारा, 3 रुपया है, यानी 3 × 100 × 100 बटे दर स्क्वायर। दर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, 4% है, यानी 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 × 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको यदि 4 से कटाते हैं तो ये कितने बार में 100 कटता है, 25 बार में। फिर इस 4 से जब इसको कटाएंगे तो ये हमारा 25 बार में कट जाएगा। और 25 × 25 कितना हो जाएगा हमारा, 625 × 3, यानी 3 × 625 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 बाकी 1, 3 × 2 = 1, 7, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 1875 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों, तब तक जो है आप हमारे वीडियो को देखिए और उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब कम से कम अवश्य कीजिए, जो हम लोगों का भी मनोबल जो है कुछ हाई हो और आप लोगों को हम फ्री में आप लोगों को ज्ञान देने के लिए उत्सुक हों। थैंक यू।